मम्मा मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ बच्चा आप ठीक हो जाओगे। मैडम क्या हुआ आदि बाबा को? तुमसे मतलब? तुम गाड़ी चलाओ। मम्मा मुझे डर लग रहा है। क्यों बच्चा आपको डर क्यों लग रहा है? मम्मा है ना आपके साथ। आदि बाबा को डर लग रहा है? क्या हुआ आदि बाबा आपको? तुम्हें एक बार कहीं से समझ नहीं आ रही क्या? कहा ना अपने काम से काम रखो। मैं तो बस, अगर आप बकवास मारी ना तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी, समझा? तुम्हें कहा किसी ने जाने को? मैम वो अंदर किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है तो मैं ला दूंगा, आपकी मदद हो जाएगी। हाँ मम्मी काका को ले चलते हैं। बेटा ये अंदर ले जाने के लायक नहीं है, ज्यादा ना रिश्तेदारी मत निभाओ, समझे? अपनी औकात में रह करो, ड्राइवर हो ड्राइवर ही बन के रहो। चल भागो यहाँ से। अब डॉक्टर मिला कोई मैच? आदि ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आदि की कंडीशन क्रिटिकल है, मेडिसिन खाने से इसको कुछ टाइम के लिए आराम तो मिलेगा, बट वी रियली नीड ए परमानेंट सॉल्यूशन। जो डोनर साहब ने भेजे हैं उनका मैच आदि के साथ नहीं हो रहा। तो आप कीजिए ना कुछ, मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगी, पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरा आदि ठीक हो जाना चाहिए। सीमा ये फाइल ले जाओ और जो भी डोनर्स की अपडेट मिले मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? देखिए बात पैसों की नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई डोनर मिल ही नहीं रहा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर, प्लीज मेरे आदि को बचा लीजिए। देखिए आप घबराइए मत, आप अभी घर जाइए, हमें जैसे ही कोई डोनर मिला हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? प्लीज। ठीक है चलो। हेलो। हेलो जी डॉक्टर। कांग्रेचुलेशन मैम, हमें आदि के लिए डोनर मिल गया। क्या सच में? अब आपका बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है मैं अभी आती हूँ। आदि ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। कहाँ है डोनर, मैं मिल सकती हूँ उससे? हाँ व्हाई नॉट। सीमा लेकर जाओ। चलिए मैम। थैंक यू। मैम आप रूम नंबर 6 में चलिए, मैं भी आती हूँ। कहाँ? दिस वे। मम्मा मैं आप ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ बेटा आप तो ठीक हो जाए। तू यहाँ, तुझे तो कुछ इम्पोर्टेंट काम था ना? मैडम जी मैं बस अभी ना, मैं किसी भी मूड में नहीं हूँ तेरी बकवास या झूठ सुनने के लिए। मेरे बच्चे का आज ऑपरेशन है, उसके लिए बड़ी मुश्किल से डोनर मिला है और मैं नहीं चाहती कि तेरा गंदा साया मेरे बच्चे पे पड़े। निकल यहाँ से। तो मिल लिया आप डोनर से? डोनर से? जी मैम यही तो है डोनर। एक्चुअली हुआ ये कि उस दिन जब मैं डॉक्टर रूम से बाहर निकल रही थी तो ये बाहर ही खड़े थे। इनके बार बार पूछने पर मुझे आपके बच्चे की प्रॉब्लम इन्हें बतानी पड़ी और इन्होंने खुद वॉलेंटियर किया और सैंपल भी दिया और देखिए इनका सैंपल मैच भी हो गया। आपको तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए और आप इन्हीं पे गुस्सा कर रही हैं। नाम क्या है तुम्हारा? जी राम प्रसाद। देखो आज जो तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारा कितना भी थैंक यू क्यों ना कर लूं उससे कुछ नहीं होगा। मैंने गाड़ी में तुम्हें इतना कुछ कहा, इतना बुरा भरा कहा, कि तुमने मेरी मदद की, क्यों? मैडम जी वो मेरा भी आदि बाबा जैसा एक लड़का था, उसकी किडनी काफी हद तक फेल हो चुकी थी, मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की लेकिन बचा नहीं पाया। आज अगर मेरी वजह से आदि बाबा बच जाते हैं तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने बेटे को बचा लिया। देखो मैं तुम्हारा दर्द तो कम नहीं कर सकती लेकिन जिंदगी में कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की, पैसों की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझे बोल सकते हो। मैडम जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बात कहना चाहता था कि जरूरी नहीं है कि रिश्ते निभाने के लिए इंसान के बीच खून का रिश्ता हो, कभी कभी बिना रिश्तों के भी रिश्ते निभाए जाते हैं। चलिए राम प्रसाद जी